अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीजे जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल 2023 पास कर लिया गया है, जिसके तहत एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर चीफ जस्टिस और दो सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वो देखेंगे कि मुफाद आमा में इंसानी हकूक के असूलों के तहत सुओ मोटो का केस बनता है या नहीं, यानी कि जो ओवर आर्चिंग पावर्स थे चीफ जस्टिस के पास अब वो ख़त्म हो जाएंगे। सुओ मोटो केसेज में फैसला आने के बाद 30 दिन के अंदर अपील का हक दिया गया है और मुतासरा फरीक को अपने दफा के लिए अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का भी हक होगा। अस्कुद नोटिस पर अपील का हक माजी में होने वाले फैसलों पर भी होगा, जिसके तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए अपील करने की राह हमवार हो गई है। अगर वो अपील करते हैं और फैसला उनके हक में आ जाता है तो वो इलेक्शन फिर लड़ सकेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति ने अपने दलाइल बयान किए और अदालत को बताया कि सेक्टर कमांडर ISI ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कलदम तंजीमों ने शेडो हुकूमत जो है बना ली है और इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। आज समाअत के दौरान जस्टिस मंदोखेल ने सजील स्वाति से पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन सा फैसला नाफिज किया है, जिस पर वकील सजील स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च का फैसला जो है जो 3-2 का था वो नाफिज किया है। सदर से राबता किया जिस पर उन्होंने पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने पूछा कि क्या आपने मेरा और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ऑर्डर है वो पढ़ा है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या आप जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनिल्ला के इख्तिलाफी नोट से मुत्तफिक हैं। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या जस्टिस याया और जस्टिस अतर मिनिल्ला के फैसले हवा में तहलील हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मामला हमारे चेंबर्स का है इसको वहीं रहने दें। मगर नाजरीन, अदालत के अंदर के मामलात आज जलसे और जुलूसों की जीनत बने हुए हैं। आज मरियम नवाज शरीफ ने कसूर में अदलिया को आड़े हाथ हो लिया, क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। और ये सवाल भी पूछना पड़ता है कि 4 दिन का फैसला 2 दिन से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया? उमर अताबंदियाल साहब, आपने तबाइन तोड़ने वाले को सजा दी होती तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तबाइन पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, और जो सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है तो कौम ये कहने पर मजबूर है फैसले आईन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं, फैसले बेगमात बच्चों और दामादों के कहने पर होते हैं। इमरान के सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का की अदलिया है, आपका जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने कहा कि हमें भी समाअत का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं हुई। कल फारूक एच नायक ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था आइए आपको दिखा देते हैं। इनके नीचे हम जो DR तक चलते जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं, अगर उनको ही ना सुना जाए और उनको सुने बगैर कोई फैसला कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, एक पार्लियामेंट है, एक जुडिशरी है और एक एग्जीक्यूटिव है, अगर आपने पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट के कानून के ऊपर पार्लियामेंट के क्या कहते हैं इलेक्शन के ऊपर कोई फैसला करे बगैर उनको सुने हुए तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज जो है ठीक नहीं है और आगे हिस्ट्री में जाके ये एक क्या कहते हैं सवालिया उठेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो नाजरीन, फिर सवाल उठता है कि पार्लियामान के मामले में पार्लियामान बालादस्त है या अदलिया? क्या अदालत सियासत सुलझाते सुलझाते खुद ही उसकी जद में आ गई है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट में तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेटर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आबिद साकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेम्बर हैं, वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं और आज ही उन्होंने एक बहुत ही अहम जिसे कहते हैं वुकला कन्वेंशन लाहौर के अंदर की है। आपका भी बहुत
बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब मौजूद हैं, JUIFA की नुमाइंदगी कर रहे हैं और गवर्नर साहब के आज ही उनको वकील जो है उनको मुकर्रर किया गया है और दोनों दिन जो थे वो अदालत के अंदर मौजूद थे। कामरान मुर्तजा साहब आपसे शुरू करती हूँ, जो ये तरमीमी बिल आज काबीना ने पेश किया और नेशनल असेंबली ने पास कर लिया है, अब ये रिट्रोस्पेक्टिव बिल है जिसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन साहब भी और मियां नवाज शरीफ साहब भी इसके तहत रिलीफ हासिल कर सकते हैं और जो तायात नाअहली उनके ऊपर लगी हुई थी वो ख़त्म हो सकती है, तो क्या ये एक इरादा था काबीना का? उसमें ये ऐसा है कि ये रिट्रोस्पेक्टिविटी जो है इसमें ये मेरा ख्याल है वो उसमें नहीं थी, ये जो मैंने पढ़ा था कल पढ़ा था तो उसमें विद इमीजिएट इफेक्ट था। मेरा ख्याल है किसी दोस्त ने शायद जब कमेटी में गया तो वहाँ कमेटी में अमेंड हो सकता है, किसी दोस्त की तरमीम आई होगी या किसी ने कहा होगा कि जी इसको जो ना बैक डेट से वो करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के उससे बड़े बेंच ने सुनना है और अगर सुनना है तो उसमें सुन ले, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है उसका रिड्रेसल हो जाता है तो कौन सी इसमें खराबी होगी। फैसला पहले भी सुप्रीम कोर्ट का था और ऐसा फैसला है मेरा ख्याल है। देखिए ये आर्टिकल 17 के ऊपर जो ना ये इसको बुनियाद बना के ये केस चल रहा है ये 2-3 दिन से जो अब है और इससे पहले भी जो मार्च में और फरवरी के आखिर में ये केस चलता रहा, तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 17 में अगर किसी के पास वोट का हक है वोट देने का तो उसके पास वोट लेने का हक आप कैसे महरूम कर सकते हैं उसको, और वो भी ताहयात। मैं आज गुनाहगार हूँ, कल मैं तौबा कर लूँ और कल मैं सबसे ज़्यादा नेक आदमी बन जाऊँ तो मुझे फिर भी जो है ना वो आप डिनाई करेंगे, मुमकिन नहीं है। गलत फैसला है, उस गलत को गलत कहना चाहिए और उसको ठीक होना चाहिए। अली ज़फ़र साहब, जिस तरह के कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि जी कल अगर मैं गलत था तो आज तो गलत नहीं हूँ, तो ये गलत फ़ैसला था इसको अगर ठीक कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है ये जो एक अदालती तरमीमी बिल जो है ये सामने आया है? जी देखें, सबसे पहले तो आर्टिकल 1843 के बारे में ये बिल आया है। आर्टिकल 1843 ये कहता है कि अगर कोई बुनियादी हकूक का इशू हो, उसकी इन्फोर्समेंट का इशू हो और पब्लिक एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अहम मसला हो जो बड़ी पब्लिक जिससे इन्वॉल्व है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 1843 के तहत वो पिटीशन को सुन भी सकता है और उस पर फैसला भी कर सकता है। ये जो अभी PDM की हुकूमत बैठी है, आपको याद होगा ये किस जजमेंट और किस आर्टिकल के तहत जजमेंट जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो किस आर्टिकल के तहत आई थी जिसके तहत बैठी हुई है इस वक्त जजमेंट जो गवर्नमेंट, अब PDM की गवर्नमेंट ने फाइल किया था आर्टिकल 1843 का ही पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये कहा था कि स्पीकर जो हैं डिप्टी स्पीकर सूरी साहब नेशनल असेंबली के वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे, उन्होंने उसको रद्द कर दिया है, तो उसको चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चूंकि एक आईनी इशू है इसलिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो वोटिंग है वो कराई जाए नेशनल असेंबली में जी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और उसके बाद ही ये फिर वोटिंग हुई, जिसकी वजह से ये PDM की हुकूमत अब बैठी हुई है अपनी। और उस वक्त आपको याद होगा कि जब ये जजमेंट आई थी तो बड़ा वाह वाह किया गया था कि जी सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी जबरदस्त पावर है। मगर कथा कलामी माफ अली जफर साहब, देखिए आज आप ना खुश हैं मगर कल जो है ये ना खुश भी हो सकते हैं। अब जो चीफ जस्टिस की पावर्स के बारे में इन्होंने ये कहा है कि जी चीफ जस्टिस के पावर्स को क्लिप कर दिया और कमेटी बना दी है, तो सितंबर के बाद जो है अगर कमेटी कायम रही तो हो सकता है कि आप इस बात से खुश रहें? जी देखिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं खाली ये बात कर रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल्स की बात करनी चाहिए। मैं मुनीजे बड़े सिंपल बात कर रहा हूँ, एक तो टाइमिंग। अच्छा, टाइमिंग जिस तरह एक कैबिनेट ने कल शाम को इसको किया अप्रूव, वो सीधा नेशनल असेंबली में आया, वहां बहस के बगैर सीधा चला गया कमेटी में, कमेटी ने 2 घंटे में फैसला करके उसको कर दिया। एक तो टाइमिंग नजर आ रहा है कि ये जो केस चल रहा है ये शायद उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, और नंबर 2 ये इसका मेथड, इसका जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कानून साजी से ये तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि
ये एक आईनी तरमीम होनी चाहिए। अच्छा, ये बात आई थिंक तारड़ साहब ने भी बोली थी, इसके पर हम आते हैं। साकी साहब को भी इंक्लूड कर लेते हैं, चूंकि साकी साहब ने आज एक बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन लाहौर के अंदर किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल तो नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो थी और ऑल पाकिस्तान लॉयर्स फोरम जो थे वो उसके अंदर इंक्लूडेड थे। साकी साहब, आपकी राय क्या है, ये जो तरमीमी बिल आई है इसके ऊपर तो अली ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं कि जी मुझे टाइमिंग से एक इशू है, और जिस तरीके से ये लाया गया है वो ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, मगर तारड़ साहब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉज रूल्स जो हैं वो तो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से 1980 से बने हुए हैं, तो अब अगर आप अब बदल दें तो कोई मसला नहीं है, आप रूल्स ही बदल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ये मैं समझता हूँ कि ये जो तरामीम की जो कानून बनाया गया है इसमें जो बुनियादी बातें हैं वो तो जाहिर है, पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स का हमेशा से ये मुतालबा रहा है, और बारहा इस पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने अपने तौर पे बड़ा यानी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स जनरेट कर रखा है कि ये जो 1843 की पावर्स हैं जिस तरीके से इनको मिसयूज़ किया जाता रहा है, और पर्टिकुलरली अगर इसको एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सो मोटो कल्चर को इफ्तिखार चौधरी साहब ने प्रमोट किया, और उन्होंने किस तरह अपनी पावर को कंसोलिडेट करके इलेक्टेड गवर्नमेंट को 5 साल तक अंडरमाइन किए रखा, और वो किस तरह उन्होंने यहाँ यानी इसको परवान चढ़ाया, और उसकी फिर कंटिन्यूटी में हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि सो मोटो पावर्स के तहत इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं और कैबिनेट है और सारा सिस्टम है वो लपेटा जाता रहा। तो इस बात पर हमारे सीरियस कंसर्न्स रहे हैं। एज ए प्रिंसिपल हमारा ये स्टैंस रहा है कि इसको स्ट्रक्चर किया जाए, एक्सरसाइज ऑफ दी सो मोटो पावर। अब सो मोटो का लफ्ज़ तो नहीं है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में, जो विद रिगार्ड टू दी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पब्लिक इम्पोर्टेंस के कोई जो इश्यूज होते हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी यानी अपने एक्सरसाइज कर सकती है जी, मगर जो तरमीमी बिल आया है उसका आप खैर मकतब करते हैं, क्योंकि जो आज आपने कन्वेंशन में अलामिया जारी किया उसके अंदर भी बिल्कुल खामोश है वो अलामिया इस हवाले से। हाँ नहीं, देखें उसमें प्रिंसिपली तो पाकिस्तान का कोई जो बाशोर शहरी है और पर्टिकुलरली लीगल फ्रटर्निटी के जो लोग हैं वो इन चीज़ों की तायद करते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सवाल बहरहाल यहाँ मौजूद है कि क्या 1843 की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनको सूटेबली अमेंड किए बगैर आप इन रूल्स के तहत वो पावर रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, थ्रू सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन आप आइन में उसके यानी दायरा कार की कोई एक्सटेंशन लिमिटेशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ये एक बहरहाल एक लीगल क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। आप कहाँ खड़े हैं इसके ऊपर, आप इस लीगल क्वेश्चन पे कहाँ खड़े हैं? मैं मेरी जाती राय इस लीगल क्वेश्चन पे ये है कि ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए ये नहीं हो सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब, आपने आबिद साकी साहब की बात सुन ली, उन्होंने कहा कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसके ऊपर आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जबकि लॉ मिनिस्टर साहब आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह चुके हैं जी आर्टिकल 191 भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप वो देख लें, और उसके तहत जो रूल्स बने थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लॉ के अंदर वो 1980 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने थे उसके अंदर तरमीम हो सकती है। आप कहाँ खड़े हैं इस इशू के ऊपर? जी, उसमें अगर इसको प्लेन लैंग्वेज देखें आर्टिकल 191 की, तो उसमें आपको लगेगा कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन तो यह है, ये ग्रीन बुक है, एंड लॉ, ला मौजूद नहीं था, दी सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम इट्स रूल्स, तो वो जो लॉ है जो इसी 191 की जरा इसमें लैंग्वेज देख लीजिएगा, तो उसमें ला जो है ना ये जो है मौजूद नहीं था, तो ये जो रूल्स हैं ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन हैं एंड लॉ हैं, तो अगर उसको ला से भी आप उसको जो है ना वो कर लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं और उस तरह से दुरुस्त करते हैं जिसका कोई नुकसान नहीं है, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी जो है ना ये इस पर अमेंडमेंट्स मूव करवाई हैं, हमने खुद मूव कराई हैं। अली जफर कह रहे हैं कि पेंडिंग है सेनेट में, मैंने इससे पहले कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के दौर में मूव करवाई है, मेरी वाइफ ने मूव की थी। अच्छा। और उसमें हुआ ये कि फिर हाँ उसमें जो इनके लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त के,
उन्होंने फिर आके उसको पूरा जो ना पूरा जोर लगा के उस अमेंडमेंट्स को, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करवाई थी वाइफ से, तो वो उसको पूरा जोर लगा के उन्होंने जो ना रिजेक्ट करवाया उसको कि नहीं जी इससे तो जजेस नाराज हो जाएंगे, मगर, ये उनका कहना था। अच्छा, मगर कामरान साहब कत्ता कलामी माफ, पहले तो माजी में तो आप लोग ये भी कहते रहे कि जी रूल्स जो हैं वो मातहत है और जो आइन है वो बाला दस्त है, तो अगर आइन बाला दस्त है तो फिर रूल्स उसके नीचे नहीं आएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए दो चीज़ें हैं, रूल्स जो हैं वो दो चीज़ों के मातहत हैं, आइन के मातहत तो हर चीज़ है, बाकी आम कवानीन भी हैं, मगर यहाँ पे जो है ना लॉ नहीं था। ये जो आर्टिकल 191 को इसकी प्लेन लैंग्वेज देखेंगे ना, पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, फिर रूल्स की बात की गई है, इन दोनों के ताबे जो है वो रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स फ्रेम करने थे, ठीक है ना जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद था, 73 से मौजूद है ये वाला, मगर ला यहाँ पे मिसिंग था। तो ये ला जो है उस आर्टिकल 199 में जो लिखा हुआ है, ला की बात की गई है, वो लॉ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई, कोई हम उसके दस्तूर के फोर कॉर्नर से बाहर नहीं निकले। मगर हम तो कानूनी बहस के अंदर उलझ गए, जाहिर है मेरे साथ आज तीन सीनियर वकला जो है वो बैठे हुए हैं, मगर अवाम ये जानना चाहती है कि अब इलेक्शन का क्या होगा। अवाम तो देख रही है पार्लियामेंट की तरफ और अदलिया की तरफ कि इलेक्शन अब कौन कराएगा, और इस वक्त आज जिस तरह वाजे तौर पे फिर से जो इख्तलाफात अदलिया के अंदर भी आए हैं, जस्टिस मंदोखेल साहब के रिमार्क्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए, 4-3 का फैसला था या 3-2 का फैसला था, इसके ऊपर भी अभी तक कोई वाज़े जवाब नहीं आया, तो हम किस तरफ जा रहे हैं। और आज अटॉर्नी जनरल ने एक बड़ा अहम बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये असेंबलियाँ पहले ही टूट जाती हैं तो फिर पैसे कौन देगा इलेक्शन के लिए, ये बात भी की गई, इस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तजा साहब, चूँकि आप हुकूमत में हैं, आज जो अटॉर्नी जनरल ने बात की कि जी अगर असेंबलियाँ हम तोड़ देते हैं और पैसे दिए बगैर तोड़ देते हैं इलेक्शंस के लिए, तो फिर हमें नहीं पता कि कहाँ से पैसे आएंगे, तो क्या ये कोई सोच फिक्र है जो पीडीएम की जमातें हैं कि हम असेंबलीज पहले तोड़ सकते हैं जून से पहले, बजट देने से पहले? देखिए जहाँ पे भी बजट की बात आएगी इलेक्शन के लिए, तो बजट में उसकी एलोकेशन होनी चाहिए या होनी चाहिए थी। ये किसी को नहीं पता था कि ये दो असेंबलियाँ इसमें पहले से तोड़ दी जाएंगी। ये सबको पता था कि अक्टूबर में, अगस्त के बाद जो है वो असेंबलियाँ टूटेंगी और उसके बाद उसके लिए बजट आना है जून में। तो जून वाले बजट में तो यकीनन इसके लिए जो है ना वो पैसे रखे जाएंगे। मगर क्या ये गौर फिक्र हो रही है कि आप जून से पहले, बजट देने से पहले असेंबलीज तोड़ सकते हैं, जो उनकी बात से समझ में आई है आज? नहीं, जून से पहले तो मेरा ख्याल, जो मुझे समझ में आई है कि वो जून से पहले असेंबली तोड़वाने में जो है ना कोई भी शायद इंटरेस्टेड ना हो, एक और बोरान पैदा हो जाएगा, ये मुल्क कहाँ पे खड़ा है आप ये देखिए। अगर कोई बात अगर हो सकेगी तो जी हाँ, अगर कोई बात हो सकेगी तो जून के बाद और अक्टूबर के दरमियान तक बात हो सकती है, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे गेस कर सकता हूँ कि अगर कोई बात होगी तो जून के बाद, ताकि इस बहरान से बचा जा सके। अली जफर साहब, आपने फारूक एच नायत साहब की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो कम अज कम अदालत को चाहिए कि हमें सुने तो सही, चूंकि तीन सतून है जिसके अंदर एक पार्लियामेंट है, एक जुडिशरी, और पार्लियामेंट के मामले के ऊपर अगर जुडिशरी पार्लियामेंट को नहीं सुनेगी तो फिर ये फैसला बहुत गलत तरीके से देखा जाएगा माजी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। आप क्या समझते हैं कि फारूक एच नायक साहब को मौका मिलना चाहिए कि अपनी बात सामने रख सकें अदालत के? देखिए, फारूक ए नायक साहब पार्लियामेंट को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, पार्लियामेंट को तो आज तक मेरी जो हिस्ट्री की जो मेरी स्टडी है, पार्लियामेंट तो कभी किसी अदालत के सामने ना पेश हो सकता है ना हुआ है। पार्लियामेंट तो सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट ने तो कानून साजी करनी होती है। फारूक नायक साहब एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं, और जिस तरह कामरान मुर्तजा साहब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, इसी तरह पीएमएलएन भी आना चाहती है और वो आके कोई अपनी गुजारिशात या अपनी कोई बहस करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा है कि हम आपको सुन लेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, मगर ये केस कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज को सुनने की जरूरत नहीं, इसमें तो हुकूमत को सुनने की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुनने की जरूरत है। क्योंकि सवाल यही है सिंपल कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था कि वो डेट चेंज कर दें, और अगर ये इख्तियार था भी तो क्या जो वजूहात उन्होंने दी वो वैलिड थी या नहीं थी। ठीक। और इशू बेसिकली ये आ जाता है कि क्या फंड्स हुकूमत देगी
या देने की पाबंद है इलेक्शन के लिए या नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये कि सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है या नहीं है। जी बिल्कुल, ये दोनों सवाल हैं, और अगर ये इनके एक ही जवाब हो सकते हैं, दो ही जवाब हो सकते हैं इसके, एक तो ये कि कहा जाए कि हाँ फंड्स देने हैं, हाँ लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो फिर वो इलेक्शंस हो जाएंगे उसके मुताबिक, और अगर ये फैसला हुआ कि नहीं फंड्स देने की जरूरत नहीं है और पर्सनल देने की जरूरत नहीं है, तो फिर कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है, और आज जो वुकला कन्वेंशन है उन्होंने भी ये कहा है कि जी जो इलेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। मगर साकी साहब आपसे पूछूंगी कि जो फारूक नायक साहब बात करते हैं कि जी पार्लियामान के ऊपर आप फैसले कर रहे हैं, आप पार्लियामान को सुने तो सही, और वो कहते हैं कि जी पार्लियामान को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं एक पोलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। असल बात यह है मनीजे कि ये कोई पार्लियामान की बालादस्ती का सवाल यहाँ नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि आईन के अंदर किसी काम को करने का क्या मैकेनिज्म और क्या तरीका कार प्रोवाइड किया गया है। आईन की जो मंशा है और रूह है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, ये एक डॉक्यूमेंट है जो यहाँ के अवामुन्नास ने अपनी रियासत के साथ एग्जीक्यूट किया है, और उसमें हमारी लाइबिलिटीज़ और अपना हमारी ड्यूटीज़ और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफाइंड है। अब इलेक्शन कमीशन आइन के अंदर एक आइनी इदारा है, इसलिए बनाया गया है कि वो आइन के अंदर दिए गए मुइना मुद्दत में अपने फ़राइज़ अदा करेगा। जी। अब इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं बनाया गया कि वो आइन के अंदर दिए गए तरीक़ाकार और औकात कार के मुताबिक अपनी राय इस्तेमाल करेगा। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रोकने के लिए नहीं बनाए जाते, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मगर साकी साहब चूंकि आप मॉडरेटर्स का भी जो इंफरादी तौर पे लोग इमरान खान साहब को भी मिलने गए, फिर और दीगर सियासी जमातों को भी मिलने गए, तो माहौल क्या साजगार है कि आप मॉडरेशन करवा सकते हैं? चूंकि बार बार जो चीफ जस्टिस साहब हैं और आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि अगर आपने मॉडरेशन करानी है, आपने मुजाकरात करने, तो फिर आप पार्लियामेंट में जाएँ, चूँकि पार्लियामेंट जो है वो एक फोरम है जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है। नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट में जाना चाहिए, इससे इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आइन के अंदर एक डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज के बाद इलेक्शन करवाने का तरीकाकार मौजूद है। अगर तो मेरी इतला के मुताबिक तो आज तक उस आइन में तरमीम नहीं हुई, अगर तो आइन में तरमीम हो गई है और पार्लियामान ने अपना सॉवरन पावर्स एक्सरसाइज करके कोई और रास्ता इख्तियार करने का कह दिया है, तो मैं खामोश हूँ, फिर मेरी राय और बात नहीं बनती। लेकिन एक 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 लिविंग डॉक्यूमेंट मौजूद है, आइन मौजूद है, और उसके अंदर एक एक, एक वाज़े सरहत के साथ लिखा हुआ है। अब देखें, मैं आपकी बात समझ ये स्टाइल है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है असल में हमारा, ये डीप स्टेट की सारी कहानी चलती आ रही है ना। अच्छा, भाई बात को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें। डीप स्टेट की आपने जिक्र कर दिया, तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, आपको पता है, कौमी असेंबली के अंदर डीप स्टेट का जिक्र किया। कामरान मुर्तजा साहब, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुजाकरात होने तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना चाहिए, उसके अंदर मीडिया भी आ जाए, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए। जब वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए, तो ये कबूल होगा आपकी जमात को भी कि इस्टेब्लिशमेंट आके जो है वो सियासी मुजाकरात करें? मुझे जमात का नुक्ता नज़र तो पता नहीं है, मगर मेरा अपना नुक्ता नज़र यह है कि मुझे कबूल नहीं है। मैं दस्तूर के ऊपर बिलीव करता हूं, और दस्तूर के दायरे के अंदर जो जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए, और अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट को इस मुज़ाकरात में इन्वॉल्व कर लिया, तो फिर उसके बाद जो है ना, वो जो पहले जो है ना, वो जो एरिया इनक्रोच अपान हो गया है उससे ज्यादा आगे हो जाएगा, और इसमें मुसीबत यह है या मसला यह है कि हर जमाने में आज 75 साल से, ठीक है, साकी साहब कह रहे हैं कि वो आपसे इत्तेफाक करते हैं, 75 साल से हमेशा इनक्रोच अपान हुआ है। जी, साकी साहब कहते हैं कि वो इत्तेफाक करते हैं, हमारा ज़हन काफी सा मिलता है। अच्छा, मगर ये जानना जरूरी है कि अली जफर साहब का ज़हन आपसे इस नुक्ते के ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? खान साहब किस मूड में अली जफर साहब, आपकी जमात जो है चाहेगी कि इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो भी इस मुज़ाकरात के अंदर जो है अपना रोल अदा करें, वो भी सियासी मुज़ाकरात करें? मुनीर, पहले आप ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट मैंने तो सुना नहीं, लेकिन ये असेंबली में आज उन्होंने कहा है, उनका उनकी जमात की स्टेटमेंट है या उनकी पर्सनल राय है ये? अदालत के बाहर, सॉरी, उन्होंने कहा है, उनकी उनकी अपनी स्टेटमेंट है, अब ये तो सवाल नहीं उनसे मिला, मगर क्या
आपकी जो जमात है, मैं आप चाहते हैं तो मैं सुना भी देती हूँ, आपकी जमात क्या चाहती है कि अगर मुजाकरात होने हैं, बार बार सब कह रहे हैं मुजाकरात करें, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर होंगे कहाँ होंगे, कौन करेगा, और क्या ये इस्टेब्लिशमेंट को आप हिस्सा बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करती हैं, मुझे आईन की कोई आर्टिकल दिखा दीजिए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल हो एग्जीक्यूटिव पावर में या कोई लेजिस्लेचर में। मेरा ख्याल है वो अगर नहीं है तो फिर उसकी बात करना पार्लियामेंट के फोरम पे कुछ बहुत अजीबोगरीब लगता है मुझे। अच्छा। मेरी नज़र में इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल रोल है, सिक्योरिटी में है, वो फॉरेन पॉलिसीज में पूरी दुनिया में उनसे मुशावरत की जाती है, लेकिन सियासत में और पॉलिटिक्स में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होती और ना होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं होगा। लेकिन आपको मैं जो इसलिए मैंने पूछा था कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो भी कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो उन्होंने उनकी अपनी जाती राय है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की राय है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी जाती राय ही होगी, मगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी से हम पूछ भी लेंगे जब वो आएंगे। मगर मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सीनियर वकील हैं, सेनेटर हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA के और आबिद साकी साहब जो वकला को एक तरीके से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन तीनों ने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर, और जो मॉडरेशन की बात की जा रही है या स्टेक होल्डर्स को एक ही पेज के ऊपर लाने की बात की जा रही है, सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं करें और भी लोग करें, उनका कोई आइनी तौर पे जो है उनका कोई रोल नहीं बनता इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इधर एक वक्फ़ा लेते हैं, और चूंकि अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि क्या ये ख्वाजा आसिफ की अपनी राय थी या हुकूमती राय थी, तो हुकूमत से पूछेंगे। हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद वज़ीर कानून। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब से, मगर इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे तहरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम के कुछ सरबराह हैं अज़र मशवानी और अरशद सदीकी, वो अभी तक लापता हैं। हमने बात की है और कल ही हमने उनसे बात की थी, उनके वकला से मियां अली अशफाक से जो अज़र मशवानी साहब के वकील हैं, और हसनैन चौहान से जो अरशद सदीकी साहब से वकील है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। अली अशफाक साहब, ये बताइए कि 5 दिन हो गए हैं कि अज़र मशवानी साहब मिल नहीं रहे, तो किस किस्म की आपको कोऑपरेशन मिल रही है पुलिस से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, वो आपको क्या बता रहे हैं? देखें, हमने 2:45 पे 23 मार्च को जो अज़र मशवानी है वो अब्रप्ट हुए हैं, किडनैप हुए हैं, जिसके बाद पुलिस से रब्ता किया गया, कोई तावो नहीं किया गया। उसके बाद पुलिस के पास जाके एप्लीकेशन दी गई, वो नहीं एक्सेप्ट की गई, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन और जो लाहौर में सदर का एरिया है वहां से चंद पुलिस अफसरान आए, जिसमें बाद हजार बताया गया कि DIG ऑपरेशन की टीम भी आई है, लेकिन किसी और ये यकीन दहानी करवाई गई कि उनकी FIR जो है वो दी जाएगी और उनका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, नहीं किया गया। हमें अदालत में जाना पड़ा, अदालत से डायरेक्शन सीख करनी पड़ी कि पुलिस हमारा नामालूम अफराद के खिलाफ भी, यानी कि कोई नॉमिनेटेड FIR नहीं थी, हमने कहा कि अननोन पर्संस के अगेंस्ट या FIR दर्ज कर दे, विच इज अ वेरी नॉर्मल यूजुअल थिंग, और उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं की गई। 3 दिन के बाद अदालत में जब जेरे समाप्त था मुकदमा, तो उस वक्त एक नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। At the same time, तो जब अदालत का प्रेशर पड़ा तभी जो है FIR दर्ज की गई, उससे पहले जो है पुलिस वाले वो रिलक्टेंट थे FIR दर्ज करने में। यकीनन दुरुस्त तौर पर बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके बाद फिर FIA लाहौर साइबर क्राइम में जो ऑफिस था उसने भी कोई तावुन नहीं किया, और सब्सिक्वेंटली जो FIA रावलपिंडी साइबर क्राइम का ऑफिस है उसने मुकम्मल तौर पर पहले ही दिन से ये, तो अभी FIA ने आपको ये कह दिया है और पुलिस ने कह दिया है कि मशवानी साहब उनके पास नहीं है। यकीनन दुरुस्त तौर पर ऐसा ही, जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आपको क्या बता रहा है? वो FIA लाहौर साइबर क्राइम के ऑफिस की जिस दिन वो लापता हुए हैं, रात 12 बजे की लोकेशन आई है, और सब्सिक्वेंटली उसी रात को लाहौर मोटरवे से लेके उसे रावलपिंडी आया गया, और FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी की साइंस लोकेशन जो है वो सुबह के टाइम पे आई है। इसकी वजह से फिर हमने बाद हजार लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में उसकी हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की है कि इसको प्रोड्यूस किया जाए, जिसमें FIA ने आके आज वाजे तौर पर जवाब दिया है और कमेंट जमा कराया अदालत के रूबरू कि वो उनकी कस्टडी में
बिल्कुल ठीक भी है नहीं इस वक्त मौजूद। ठीक है। हसनैन चौहान साहब, आपके जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरशद सिद्दीकी साहब सोशल मीडिया के हेड रहे हैं सिंध के अंदर। 26 मार्च को उनको अगवा किया गया, अभी तक आप FIR दर्ज करवा पाए हैं और इस केस में क्या हुआ है? जी बिस्मिल्लाह रहमान, थैंक यू वेरी मच। जी इस केस के अंदर 26 तारीख को वो अपने घर से निकले थे, वो बेसिकली इन्विजिलेटर हैं एक NTS के, तो अपने जॉब के लिए निकले वो, लेकिन उसके बाद से 8 बजे निकले हैं वो, और तकरीबन 9 बजे के बाद से जब से उनकी फैमिली ने उनको कांटेक्ट करना शुरू किया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और वो आउट ऑफ कांटेक्ट चले गए। तो फौरी तौर पर एज पर लॉ फैमिली ने जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया, बट वो इतने रिलक्टेंट थे कि उन्होंने एप्लीकेशन भी उनसे रिसीव नहीं की। तो फिर हमने जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाया, अलहमदुल्ला आज हमारी सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन थी इस हवाले से, तो सिंध हाई कोर्ट ने वो उनको नोटिस जारी किए हैं और तलब किया है और कहा है कि ये इनको बताएं कि कहाँ हैं और इसके हवाले से क्या अब तक आपने अपडेट की है कंसर्न SHO और SSP वगैरह से। अच्छा, अरशद सिद्दीकी की जो खानदान है उनके क्या खदशात हैं? देखें, खानदान के खदशात इस वक्त वाजे हैं कि जो आजकल जिस तरीके से अजहर मशवानी साहब हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने बाकी सोशल मीडिया को जो डील करते हैं उस वक्त वो जेर एताब हैं, और वो जो है अल्टीमेटली उनको कंसर्न यही है कि उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ही जो है वो पिकअप किया है, लेकिन ये है कि अभी तक कोई उनके ऊपर FIR नहीं दी गई, ना ही उनके ऊपर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है हसनैन साहब, अभी जब तक। आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, अली साहब आपसे भी पूछूंगी, आप जवाब दे दीजिए अली साहब, कि क्या आपका इशारा जो है वो गैर सियासी जो इदारा है उसकी तरफ है? देखें, जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसा कि FIA है, पुलिस है, इनमें से किसी ने उसकी कस्टडी क्लेम नहीं की। जो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन पे आम हालात में जो के केसेस दर्ज होते हैं इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज के हवाले से, वो या पुलिस करती है या ये FIA FIA करती करती है। है, तो बिल्कुल चूंकि बिल्कुल। पुलिस के पास मुकदमा दर्ज है और FIA ने कस्टडी डिनाई कर दी है, तो वाजे तौर पर जो के सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, इशारे जो उनसे है वो इनकी रहनुमाई में FIA और पुलिस की रहनुमाई की वजह से उधर ही जाते हैं। हसनैन साहब, डू यू अग्री? जी 100% एग्री। जनाब आजम नजीर ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब देखिए, ये जो दो सोशल मीडिया के सरबराह हैं, PTI के कारकुनान हैं, अजहर मशवानी, अरशद सिद्दीकी, ये दोनों लापता हैं। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, FIA कहती है हमारे पास नहीं है, तो फिर ये किसके पास हैं और क्यों नहीं जो हुकूमत है इसके बारे में कुछ कर रही? उनको कम अज़ कम मैजिस्ट्रेट के सामने तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी मुनीजा, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कोई बर्डन शिफ्टिंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये इशू जो है प्राइमरली दिस रिवॉल्व अराउंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और जाहिर है प्रोविंस में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, केयर टेकर स्टेटस है, वो अपना मौकफ दे रहे होंगे। मैं कम अज कम उनके लिहाज से तो मौकफ नहीं दे सकता, लेकिन जो हमने अपने तई सारा पता चोरी की FIA जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, क्योंकि उनके जो लापता होने का इल्जाम है वो लाहौर में से उन्हें कहा गया कि जी लाहौर में से उन्हें किया गया, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि जी उन्हें उनके वेयर अबाउट का या उस हवाले से कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर तो रियासी अदारे हैं, पुलिस है, FIA है, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो ये लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो लोगों को गायब कर दे। हमने तो सारी उम्र इस पर आवाज़ भी उठाई है, अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है, कोई जुर्म किया है, कोई लॉ तोड़ा है, वायलेंट किया है, जी, तो उसका एक तरीकेकार है, आप उसे गिरफ्तार करें, अदालत में पेश करें, रिमांड लें, इंटेरोगेट करें, जी जमानत अप्लाई करें, आप उसे अपोज करें। जी तार साहब, इसी हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कई ऐसे PTI के वर्कर्स हैं जिनके ऊपर इस्लामाबाद टेरिटरी में जहाँ पे आपकी ज्यूरिसडिक्शन है उनके ऊपर 780A के मुकदमे भी कायम हुए हैं। पोलिटिकल वर्कर्स के ऊपर इस तरह के मुकदमे कायम हो जाना, उसकी मजम्मत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, उनका अपना काम है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन मैं सारी इन बातों के बावजूद बड़े अदब से ये अर्ज करूंगा कि अगर आप अदालतों के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर हमला आवर होंगे और किसी अपने कायद की पेशी को अवॉइड करवाने के लिए उस ग्रेटर प्लान का हिस्सा बनेंगे और आप मुस्तार ली हुई टीयर गैस गन्स के साथ शेलिंग भी करेंगे पुलिस पे और फिर पुलिस व्हीकल्स और पब्लिक प्रॉपर्टीज को चलाएंगे और शीशे और दरवाजे तोड़ेंगे और पुलिस वालों को जख्मी करेंगे, तो आपको फूलों की हार तो नहीं पहनाए जा सकते। फिर एंटी टेररिज्म भी लगेगा, क्योंकि वो लॉ है
चाहिए कि इस सिचुएशन से डील करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट हो, लोग खड़े हों, कतार बना के, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने 200 पेशियां बुक की हैं, वो भी कॉल दे सकते थे 10-15 हज़ार बंदा इकट्ठा करके कि वो हर पेशी पे कहते जत्था लेके जाना है ताकि ट्रायल ना कंक्लूड हो। तो ये अब अगर अपनी फर्द जुर्म को मौखर करने के लिए, उसे पोस्टपोन कराने के लिए लोगों को शील्ड बना के इस्तेमाल करते हैं। लाहौर में क्या होगा, 64 पुलिस वाले 3 दिनों में जख्मी हुए, सारी कौम ने देखा लाइव कवरेज, इस्लामाबाद में भी उनको मनाज़र तो करके देखे, ठीक है, मगर तो इसके पर फूलों के हार तो नहीं ना मुनीज़े बनाए जा सकते। अगर कोई शख्स कानून को इस हद तक हाथ में लेगा तो कानून हरकत में आएगा, वो कम से कम लीगल कोर्स तो है ना। अच्छा, एक और सवाल आपसे बड़ा जरूरी करने वाला है, चूंकि आज जो बिल पास हुआ है और नेशनल असेंबली में किया है उसके ऊपर आपका मौकफ है कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं चाहिए, रूल्स होने चाहिए, मगर एक चीज़ ये है कि वो रिट्रोस्पेक्टिव भी है। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी नाअहली को चैलेंज करने जा रहे हैं अदालतों के अंदर, अपील में जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रिट्रोस्पेक्टिविटी का ताल्लुक है, उसकी एक क्लॉज है जो राइट ऑफ अपील दिया गया, वो बेनिफिशियल प्रोविजन है और लोगों के साथ बहुत बहुत ज्यादतियाँ हुई हैं, वो एक वन टाइम डिस्पेंसेशन उसमें दी गई है जो कि पार्लियामान का इख्तियार है। रही बात कि मियां नवाज शरीफ साहब उससे बेनिफिट होने जा रहे हैं या नहीं हो रहे, पहली बात तो ये कानून अभी बनना है, अभी ये सेनेट में जाना है, उसके बाद सदर साहब चेंज के लिए जाएगा। ये फैसला मियाँ साहब ने करना है या दीगरान ने करना है कि किन किन लोगों ने अपील फाइल कर दी है, लेकिन वो विंडो जो है वो 30 डेज की है। मैं आज उनके बिहाफ पे कोई कमिटमेंट या बात नहीं करूंगा, आई एम बिजी हेयर इन दिस प्रोसेस। ये बात जो बेहतर है कि आप जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं अमजद परवेज साहब या जो उनके टाइम पे, उनको ज्यादा बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया जनाब वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।